नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम एपिसोड के एपिसोड नंबर 24 में, जहां पे आज आपको वेस्ट बंगाल की एक हुगली की घटना बताने वाला हूं मैं, जहां पे एक पत्नी ने अपनी पति के सर काट करके सर को नदी में फेंका और शरीर जो था उसे नाले में बहा दिया। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है जो कि आपको हमारा चैनल एपिसोड नंबर 24 में बता रहा है, और हर बार की तरह क्राइम न्यूज़ हमारा सच्ची घटना पे ही आधारित होता है। दोस्तों ये घटना थी पश्चिम बंगाल की हुगली की, जहाँ पे एक पत्नी ने प्लान बनाया अपने पति के खिलाफ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये बात की शुरुआत होती है जब पति अपनी पत्नी की सहेली के साथ मुलाकात करता है, यानी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पे पत्नी को छोड़ करके पति चाहता है कि उसका सहेली से वो संबंध बनाए, और इस चक्कर में वो ना जाने कितने बार अपनी पत्नी को परेशान करता है। और ये बात जब पत्नी को पता चलती है, और इसको बताने वाला और कोई नहीं, उसकी ही सहेली थी जो कि बताती है कि उसका पति जो है उस पे डोरे डाल रहा है और वो चाहता है कि उसके साथ वो संबंध बनाए। तो लेकिन इसके खिलाफ जो है पत्नी की सहेली जो है वो हमेशा से आवाज़ उठाती रही है, और पत्नी की जो सहेली थी वो भी शादीशुदा है, यानी कि अब उस पति के खिलाफ यानी तीन लोग खड़े होते हैं, एक उसकी ही पत्नी, दूसरी उसकी सहेली, और तीसरा जो है वो सहेली का पति। यानी कि तीनों लोग अब एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से वो अपने पति को सबक सिखाए, और ये जो सबक सिखाने का जो तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। और ये प्लान जब पता चलता है तीनों को, यानी दोनों को, जब पत्नी बताती है कि उसकी सहेली और उस सहेली का पति के साथ मिल करके अपने पति को मारने का एक सबसे बड़ा प्लान बताता है, और ये जो प्लानिंग था वो एक सटीक प्लानिंग की तरह था, जो कि पुलिस भी उसे मतलब उस गुत्थी को सुलझाने में उलझ जाती है। और ये इसकी शुरुआत होती है शाम के समय में, जब वो पत्नी अपने पति को बुलाती है और ईंट भट्टी, जी हाँ, ईंट भट्टी के पास ले जा करके उसको शराब पिलाया जाता है, और नशे की हालत में पति को जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तब उसके साथ जो है वो जो प्लानिंग थी उसको अंजाम दिया जाता है। पति जो है सहेली का पति और उसकी पत्नी और जो अपराधी है जो महिला, वो भी तीनों मिल करके अपने ही पति का गला काट देती है, और गला काट के उस गला को नदी में फेंक देती है, और धड़ जो होता है उसे एक नाले में बहा दिया जाता है। जब ये बात जब इस तरह की घटना जब पुलिस के सामने आती है, तो हालांकि पुलिस भी समझ में नहीं आता है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, ना ही उस मौके वारदात पे कोई भी सबूत मिलता है, जिस वजह से काफ़ी दिनों तक पुलिस जो है इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई ही रहती है कि ये बॉडी है तो है किसकी, इसकी पहचान किस तरह से किया जाए। तो दोस्तों लेकिन ये सब सारी जो मामलाएँ जो हैं वो आस्ते आस्ते सोशल मीडिया पे आया जाता है, और जिसके बाद जो जिसका लड़का होता है, जिसका बेटा होता है, उसके ही परिवार के कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उसके हाथ पे बना हुआ टैटू को देख करके पहचान जाता है, क्योंकि उसका बेटा भी लापता था, कई दिनों से उससे बात नहीं हो पाती है। इस वजह से जब सोशल मीडिया पे किसी वीडियो में जब वो देखता है कि उसके हाथ पे बना हुआ टैटू, तब वो जाकर के पुलिस में कंप्लेन करता है, और उसके बाद से आस्ते आस्ते गुत्थी सुलझने लगती है, सारे मामला सामने आ जाती है, और पुलिस की कड़ी कार्रवाई की वजह से उस जो अपराधी रहती है, जो महिला रहती है, और उसके सहेली और उसका पति, तीनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और सब कुछ जो है एक प्लानिंग के तहत किया गया रहता है, पूरी सटीक प्लानिंग की तरह। लेकिन पुलिस उसको बहुत मतलब कह सकते हैं अच्छे तरीके से सुलझाती है, और उसे पकड़ लिया जाता है, और सारा मामला जब सामने रखा जाता है तो पुलिस भी चौंक जाती है कि महज एक सहेली को पसंद करने के जो एक मनसा जो कह सकते हैं, एक मन में विचार जो कहते हैं, उसको आने से ही पत्नी ने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो देखते हैं ये एक सच्ची घटना के ऊपर उन तीनों को क्या सजा होती है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर से हाजिर होंगे आपको एक सच्ची घटना को लेकर के, देखते हैं आने वाले एपिसोड में आपको क्या दिखाया जाता है। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि हमारी सच्ची घटना आपको
सिर्फ ये कहानी नहीं होती है, एक सच्ची घटना होती है। ये आपको सतर्क किया जाता है कि आप सतर्क रहें। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।